मैदान कैसे पड़ा। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को भारत समेत दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद भाईजान के नाम से जानते हैं। सल्लू मियां को चाहने वाले ये तो जानते हैं कि इनके पसंदीदा अदाकार को भाईजान कहा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सलमान खान को भाईजान क्यों कहा जाता है और इनका नाम कैसे पड़ा। बॉलीवुड के दबंग अदाकार ने हाल ही में इस राज से खुद ही पर्दा उठाते हुए एक इंटरव्यू के दौरान पूरी कहानी सुनाई और बताया कि एक वक्त था जब मुझे सिर्फ सोहेल खान भाईजान के नाम से पुकारते थे। ये इसलिए था कि इनसे मेरी उम्र बड़ी थी। उन्होंने बताया कि जब सोहेल खान को मुझे भाईजान पुकारते सुना तो फिर फिल्म इंडस्ट्री के दीगर अफराद ने भी उन्हें इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया और फिर रफ्तार रफ्तार सलमान खान का नाम मशहूर हो गया। और सलमान खान का नाम दबंग खान कैसे पड़ा। जब सलमान खान भारत में भाई के नाम से मशहूर हो गए तो लोग फिल्मों में इनकी बॉडी के बारे में बातें करने लगे और तवील अरसे तक इन्हें फिल्मों में इनकी बॉडी के वजह से पसंद किया जाने लगा। और फिर बहुत से ऐसे वाकयात रोनुमा हुए, जैसा कि सलमान खान का फोटोग्राफर पर गुस्सा करना, किसी का मोबाइल फोन छीनना। सलमान खान जब भी मीडिया या आवाम के सामने आते तो गुस्सैले मूड में नजर आते, जिसके बाद इनकी फिल्म की मुनासबत से ही इनका नाम दबंग पड़ गया।